हरे भरे घने जंगल सुंदर जलप्रपात के नाम से जाना जाने वाला छत्तीसगढ़ अब धीरे धीरे कोयले के राख में बदल रहा है। और आज अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ शमशान हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हसदेव अरण्य की, जहाँ हजारों आदिवासी और बेजुबान जानवर रहते हैं जिस पर अडानी की नजर लग गई है। और इस भूमि के नीचे दबे कोयले को निकालने के लिए पूरे जंगलों की कटाई शुरू कर दी है, जिसको बचाने के लिए आदिवासी ग्रामीण अपना घर छोड़कर पूरी रात जंगल में बिताकर पेड़ों की रखवाली कर रहे हैं।